हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का। दोस्तों आज डेट है 29 दिसंबर। देखते हैं करंट अफेयर न्यूज़ में कौन कौन से न्यूज़ इंपॉर्टेंट है और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। जिनको बुक्स वगैरह मंगाना हो डिस्क्रिप्शन लिंक से आप डायरेक्टली बुक्स ऑर्डर कर सकते हैं। जिन्होंने अभी तक ऐप डाउनलोड नहीं किया दोस्तों, आप प्ले स्टोर से जाकर DKS IAS अकेडमी सर्च करिएगा, आपको हमारा ऐप दिख जाएगा। आप वहाँ से प्लीज़ डाउनलोड कर लीजिए। सारे वीडियोज़, करंट अफेयर, पेड कोर्सेज सब कुछ वहाँ पर आपको मिल जाएगा एक साथ ही, ठीक है। उसमें आपको डाउनलोड करने का भी ऑप्शन मिलेगा, ऑफलाइन भी देख सकते हो, ठीक है ना। जिनको फाउंडेशन कोर्स ज्वाइन करना है दोस्तों, बेसिक से एडवांस लेवल तक हम पढ़ने वाले हैं, तो आप प्लीज़ फाउंडेशन कोर्स जिनको ज्वाइन करना आप ज्वाइन कर सकते हो। पूरी की पूरी इसमें GS प्लस ऐसे आपकी सारी चीज़ें कवर होंगी, ठीक है। तो उसमें आपको डेमो वीडियोज भी कुछ दिन में मिल जाएगा, जिससे कि अगर आप डेमो भी देख के ज्वाइन करना चाहते हो तो उसके बाद भी ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे वेरियस कोर्सेज और भी हैं, जैसे पॉलिटी का एलवन श्रीकांत हमने पढ़ा है, स्पेक्ट्रम पढ़ा है, हिस्ट्री का इसी का वीडियो कोर्स है और NCERT का जो बहुत नए हैं उनसे मैं एक रिक्वेस्ट करूँगा कि आप NCERT से ही स्टार्ट करिएगा, ठीक है ना। और पेमेंट मेथड मैंने तीनों बता रखा है। बेसिकली का ऐप से भी पेमेंट कर सकते हो, अकाउंट से भी पेमेंट कर सकते हो, इसी नंबर पे आप फोन पे, पेटीएम, गूगल पे, भीम UPI से भी पेमेंट कर सकते हैं। अब चलिए करंट अफेयर की स्टार्ट करते हैं। तो करंट अफेयर में सबसे पहले न्यूज आ जाती है दोस्तों पानीपत की लड़ाई 1761, ठीक है। तो ये जो 1761 में पानीपत की लड़ाई हुई थी दोस्तों, उसकी अगर बात करें, ठीक है, तो ये आपकी तीसरी लड़ाई थी। अभी चर्चा में क्यों, बेसिकली चर्चा में इसलिए कि दोस्तों एक अमेरिकी शोधकर्ता है मनोज दानी, ठीक है। उन्होंने क्या किया कि जो इससे संबंधित जितने उनको चित्र मिले हैं, बेसिकली चित्र में तो पेंटिंग्स मिली है, उनको रीऑर्डर करने का मतलब रीडिस्कवर किया बेसिकली इन्होंने, और इसमें एक पुस्तक उन्होंने लिखी है, उसमें उन्होंने संकलित कर दिया, ठीक है। तो इस वजह से थोड़ा चर्चा में मतलब यह है बेसिकली कि जो पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई थी उसके उनको कुछ पेंटिंग्स, कुछ चित्र मिले, उसके बेसिस पर उन्होंने किताब लिखी है, बेसिक मुद्दा ये है। बट आपसे ये नहीं पूछा जाएगा, ये तो आपको NTPC या रेलवे वगैरह इसमें क्वेश्चन में पूछ जाएगा मनोज दानी कौन है, ठीक है। ये आपसे पूछा जा सकता है कि कबीर की शोध करता है। ये UPSC या PCS में पूछे जाने, तो PCS में शायद पूछा जाए, लेकिन UPSC में पूछे जाने के चांसेस ना के बराबर। UPSC में क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा, पानीपत की लड़ाइयाँ। अब आपको पता है पानीपत की 3 लड़ाइयाँ हुई थी। पानीपत की प्रथम लड़ाई हुई थी 1526 ईस्वी में, ठीक है। आपने सुना होगा कि बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में, लोदी वंश के मतलब शासक के बीच में हुआ था, ठीक है, इब्राहिम लोदी। तो ये आपने पढ़ा होगा 1526 ईस्वी बाबर की पहली लड़ाई थी, ठीक है। तो यहाँ से आपको लोदी वंश का नाश भी होता है और यहाँ से मुगल साम्राज्य का स्टार्टिंग भी होता है। तो ये देखो हिस्ट्री का पार्ट हो जाता है। तो आप क्या करोगे, पानीपत की पहली लड़ाई, पानीपत की दूसरी लड़ाई, पानीपत की तीसरी लड़ाई, ये तीनों चीज़ें आपको बेसिकली पढ़नी पड़ेगी, ठीक है। फिर उसके बाद 1556 में, मतलब 1556 में, 1556 में क्या हुआ था, अकबर और हेमू के बीच में हुआ था, ठीक है। तो सेकंड जो पानीपत की लड़ाई हुई थी अकबर और हेमू के बीच में हुआ था, अकबर इसमें जीते थे। इसमें बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था, ठीक है, इसमें बाबर जीता था, ठीक है। तीसरी लड़ाई की बात करें दोस्तों, तीसरी लड़ाई दोस्तों अहमद शाह अब्दाली, ठीक है, और मुगलों के इसमें और मराठाओं के बीच में लड़ा था, ठीक है। इसमें अहमद शाह अब्दाली ने बहुत बुरी तरह मराठाओं को हराया था और इसके बाद से मराठा सम्राट की जो नींव थी वो कम होना चालू हो गई, ठीक है। तो बहुत बुरी तरह इन्होंने मराठाओं को हराया था। तो ये आपको पढ़ने की जरूरत है। अब देखो है तो करंट अफेयर, लेकिन कहाँ से कोरिलेट हो रहा है, आपके स्टैटिक पार्ट्स हिस्ट्री से, और हिस्ट्री में भी आपको कहीं ना कहीं ये देखोगे तो ये मिडिवल हिस्ट्री का पार्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये दोस्तों आपके एग्जाम पढ़ने से इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज़ ऐसे आप पढ़ेंगे तो आपकी चीज़ें बहुत आसान हो जाएंगी, ठीक है। तो ये थोड़ा सा याद रखिए, जो आपके एग्जाम पॉइंट से थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक। अब बात करते हैं, मौसम विभाग ने कहा कि उत्तर भारत के लोगों को शीतलहर के दौरान शराब के सेवन से बचने के लिए कहा। ऐसा क्या हो जाएगा शराब के सेवन से, देखो बेसिकली एक कॉमन टर्म आपको समझाने की कोशिश करते हैं। जब आप जॉगिंग करते हो या रनिंग करते हो या फिर जिम करते हो तो आपको पता है आपको स्वेटिंग होती है, पसीना होता है, राइट। जब स्वेटिंग होती है दोस्तों तो आपको पता है आपकी बॉडी का टेम्परेचर डाउन हो जाता है। जब भी आप पसीने से लथपथ होते हैं ना, आपकी बॉडी का टेम्परेचर धीरे धीरे डाउन होने लगता है, ठीक है। ये बेसिक कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, जो आपके एग्जाम पॉइंट से थोड़ा सा रिलेवेंट भी है, ठीक है। अच्छा, शराब पीने से होगा क्या, शराब पीने से दोस्तों एक बीमारी हो जाती है जिसको हम बोलते हैं हाइपोथर्मिया, ठीक है। हाइपोथर्मिया इसको बोलते हैं, हाइपोथर्मिया बोलते हैं, आपका अल्पताप भी बोलते हैं, ठीक है। अल्पताप मतलब कम तापमान हो जाता है, ठीक है। तो इससे क्या होता है, हमारे शरीर का तापमान जो होता है बहुत ही कम हो जाता है और आदमी क्या होता है हाइपोथर्मिया से पीड़ित हो जाता है। जनरली क्या होता है कि हमारी बॉडी का टेम्परेचर दोस्तों 37 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है, ठीक है, मतलब इतना होता ही है, और एक 2 डिग्री कम हो जाता है, ठीक है। 2 डिग्री कम होकर कितना हो जाता है 35। अब जनरली जिनको कहते हैं ना 101 बुखार है वो फ़ारेनहाइट में होते हैं दोस्तों, तो उनका टेम्परेचर ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो जाता है 38 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। मतलब 1 डिग्री भी हमारी बॉडी का टेम्परेचर अगर बढ़ जाए तो हमारी बॉडी बर्दाश्त नहीं कर पाती है, ठीक है। या फिर 39 हो जाए तो और बुरा हाल हो जाता है, राइट। तो ये याद है कि 37 हमारा मानक एक बेसिकली स्टैंडर्ड है हमारी बॉडी का टेम्परेचर, ठीक है। हमारे आसपास के टेम्परेचर हो सकता है ज़्यादा हो जाए, हम बर्दाश्त कर लेंगे, अंदर और बाहर का टेम्परेचर कम हो जाए तभी बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन हमारे शरीर का टेम्परेचर अगर उससे कम हो रहा है तो हमें प्रॉब्लम्स होने लगती है, प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाता है, ठीक है। ठीक है। अब आपके दिमाग में सब दोस्तों ये आ रहा था कि शीतलहर में कैसे, ठीक है, शीतलहर में तो लोग शराब का सेवन करते हैं। देखो शराब के सेवन से क्या होता है कि हमारे शरीर में दोस्तों ब्लड का लेवल जो होता है ना, ब्लड का लेवल वो धीरे धीरे बढ़ता है। देखो आपने कभी कई बार अगर ऑब्जर्व किया होगा, जो लोग ड्रिंकिंग करते हैं, ड्रिंक करने के बाद उनकी आंखें लाल हो जाती हैं। तो ऐसा नहीं है कि वो आंखें लाल हो जाती है, होता है क्या है बेसिकली, उनकी आंखें लाल नहीं होती दोस्तों। बेसिकली क्या हो जाता है कि उनके ब्लड का सर्कुलेशन होता है, ब्लड का लेवल होता है उनके बॉडी में बढ़ जाता है। उसकी वजह से क्या होता है, उसकी वजह से दोस्तों उनको बेसिकली होता क्या है कि बेसिकली ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ जाता है, उससे धीरे धीरे उनका टेम्परेचर डाउन होने लगता है, इंटरनली डाउन हो जाता है, ठीक है। तो ये बेसिकली कारण था। अच्छा शीतलहर में क्यों मना किया गया, ये भी एक पॉइंट हो जाता है कि शीतलहर में ही क्यों मना किया गया, ठीक है। तो अगर इसकी बात करें दोस्तों, शीतलहर में क्यों मना किया गया, ठीक है, दोस्तों बेसिकली क्या होता है, शीतलहर में नॉर्मल टेम्परेचर कितना हो जाता है, लगभग 10 डिग्री के आसपास, ठीक है। हमारे शरीर का मतलब बेसिकली क्या होता है, बाहर का टेम्परेचर होता है 10 डिग्री के आसपास, ठीक है। हमारी बॉडी का टेम्परेचर कितना चाहिए, 37 डिग्री सेल्सियस। अब क्या होगा, अगर आप शीतलहर में क्या होगा, धीरे धीरे टेम्परेचर जैसे ही 10 डिग्री के आसपास होता है या उससे कम होता जाता है, करीब 4.5 तक या 5 तक आ जाता है, ठीक है। तो मतलब 5 डिग्री से लेकर 10 डिग्री के बीच में टेम्परेचर है। कहाँ का है, बाहर का है, ठीक है। अब आपने शराब का सेवन किया तो बेसिकली क्या होता है कि हमारी बॉडी का टेम्परेचर डाउन होता है, ठीक। जब बॉडी का टेम्परेचर और डाउन होगा और बाहर भी ठंड है तो हमारी बॉडी क्या होती है, एडजस्ट नहीं कर पाती, तो इसमें बीमारी होती है, इसको हम बोलते हैं हाइपोथर्मिया, ठीक है, हाइपोथर्मिया इसको बोलते हैं। तो याद रखिएगा सामान्यतः क्या होता है, जब आपकी बॉडी का टेम्परेचर 6.5 डिग्री से कम आ जाती है ना, तो मतलब बेसिक सामान्यतः तापमान जो होता है 6.5 डिग्री से एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर कम हो जाता है, तो बेसिकली हमें क्या होता है, बहुत ज़्यादा दिक्कत होने लगती है। कई बार कहते हैं ना कि हाथ में गलन होती है, आप गाँव वगैरह में देखेंगे तो लोग क्या कहते हैं, मतलब आग जला के उसके अंगीठी जला के उसके आसपास बैठ जाते हैं, ठीक है। तो इसीलिए करते हुए अपने बॉडी को जो टेम्परेचर है 37 डिग्री वो मेंटेन कर सकें, ठीक है। तो आपने लोग कहते हैं ना ठंड लग गई, वो ठंड नहीं लगता बेसिकली, तो हाइपोथर्मिया से इंसान ग्रसित हो जाता है बेसिकली, ठीक है, जिसको कहते हैं ठंड लगना, लूज मोशन होने लगता है, वो सारे कारण वही बेसिकली हो जाते हैं। अच्छा अब बात करते हैं ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्लीट कॉरिडोर। अब इसका उद्घाटन अभी करेंगे रिसेंटली दोस्तों प्रधानमंत्री जी, ठीक है। तो जब आएगा तो इसको हम और चर्चा मतलब और ज़्यादा अच्छे से इसको डिस्कस कर लेंगे। अभी के लिए अगर बात करें तो एक कॉरिडोर कहाँ से कहाँ तक है, पंजाब के लुधियाना से पास होगा ये, ठीक है। तो लुधियाना, दादरी, कानपुर, ठीक है, उसके बाद ये मुगलसराय, मतलब यूपी। अब बेसिकली अगर स्टेट की बात कर ले, हम सीधे सीधे स्टेट की बात करते हैं, ठीक है, बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होगा। तो पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड, झारखंड में जाके आपका दंकुनी में ये जाके जो कॉरिडोर है वो समाप्त होगा। अब ये ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्लीट कॉरिडोर होता क्या, जैसे कि हम क्या करते हैं, एक रास्ता बनाते हैं, इस रास्ते के आसपास ही दोस्तों हम मॉल बनाते हैं, इस रास्ते के आसपास ही हम इंडस्ट्री बनाते हैं, इस रास्ते के आसपास ही हम क्या करते हैं, पार्क बनाते हैं, सोलर पार्क बनाते हैं, मतलब एक इंडस्ट्री डेवलप करते हैं इस रास्ते के आसपास में। तो ये लुधियाना से चालू होगा और कहाँ तक जाएगा, दंकुनी तक जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली ये डेडिकेटेड फ्लीट कॉरिडोर का मतलब ये होता है कोई भी अगर सामान लो, यहाँ फैक्ट्री है, ठीक है, अब यहाँ पे सामान बना, यहाँ पे आया रोड पे और डायरेक्टली ये टर्क के थ्रू जहाँ भी जाना पोर्ट के पास में वो जा सकता है, आसानी से आवाजाही हो सकती है, बेसिकली पर्पज ये होता है, राइट। अगर सपोज कर मेरी फैक्ट्री यहाँ होती, अब मेरे को यहाँ से सामान बना के फिर ऐसे रोड से होते हुए इस हाईवे पे आना पड़ता, राइट। तो हमें क्या होता है, ये पूरा टाइम पीरियड तो ज़्यादा लगता है ना, तो इसलिए हम क्या करते हैं, जो डेडिकेटेड फ्लीट कॉरिडोर बनाते हैं उसके आसपास देखोगे तो इंडस्ट्री छोटे छोटे क्लस्टर्स बनाए जाते हैं, क्लस्टर्स बेसिकली बोलते हैं, छोटे छोटे पार्ट्स में बनाए जाते हैं, पार्क बनाए जाते हैं, ठीक है, कि लोगों के रहने लायक भी हो, लोग यहाँ पे रहे भी है, जॉब भी करें। तो ये बेसिकली डेवलपमेंट का एक मॉडल है बेसिकली, आप इसको कह सकते हो, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, जैसे हाँ जिसका उद्घाटन होगा ना तो हम इसको और अच्छे से डिस्कस करेंगे तब, ठीक है। अब बात करते हैं इनर लाइन परमिट की। मेघालय के लोग कह रहे हैं कि भैया मेघालय में भी इनर लाइन परमिट जो है वो लागू करो, ठीक है। इनर लाइन परमिट क्या होता है, उससे पहले हम मेघालय के ऊपर देखते हैं मेघालय है कहाँ पे, ठीक है। अगर मेघालय की बात करें दोस्तों तो मेघालय आपका कहाँ पे है, मैं एक बार दिखाता हूँ, देखो ये रहा, जिसको 7 सिस्टर्स में आता है मेघालय का, ये पूरा ये है पूरा मेघालय। कलर चेंज कर देते हैं थोड़ा सा, ठीक है। ये आपका मेघालय है, जिसकी कैपिटल शिलांग है, ठीक है। आप देखोगे इसकी बॉर्डर किससे किससे लगती है, तो आप इधर देखोगे तो ये आपका आ जाता है बांग्लादेश, ठीक है, ये आपका बांग्लादेश है, इधर आसाम से बॉर्डर लगता है मेघालय का, ठीक है। अब ये इनर लाइन परमिट क्या होता है, इनर लाइन परमिट दोस्तों ये अंग्रेजों के टाइम पे बेसिकली आया था, ठीक है, 1873 में आया था। कि अब इंडिया के कंसेप्ट बेसिकली मैं सबसे पहले समझाता हूँ। इनर लाइन परमिट क्या होता है कि सपोज करो आपका ये घर है, मान लेते हैं आप यूपी के रहने वाले हो, बिहार के रहने वाले हो, ठीक है। तो इस यूपी बिहार में कोई अगर बाहर का लोग, कोई बाहर के लोग आ रहे हैं तो उसको परमिशन लेना पड़ेगा, ठीक है। अगर मान लो जो मैं कहीं से भी आ रहा हूँ, चाहे बांग्लादेश से आके रहने की सोच रहा हूँ, चाहे पंजाब से रहने की आके सोच रहा हूँ, तो क्या होना करना पड़ेगा, परमिशन लेके रहना पड़ेगा कि आप कितने दिन के लिए आए हैं बताना पड़ेगा, बेसिकली ऐसा समझ लो आप। ठीक है, तो होता क्या है, मेघालय इसके लिए इनर लाइट परमिट के लिए क्यों जोर दे रहा है कि भैया हमें इनर लाइट परमिट की परमिशन दो, यहाँ पे करो। होता क्या है कि आप बांग्लादेश से बॉर्डर लगता है, ठीक है, तो बांग्लादेश के जो अवैध प्रवासी होते हैं वो लोग क्या करते हैं, धीरे धीरे मेघालय में एंट्री करते हैं, वहीं पे रहने लगते हैं, घर बना के झोपड़ी बना के रहना चालू कर देते हैं। ठीक है, तो अब इससे घाटा क्या होगा, इससे घाटा ये हो जाएगा दोस्तों, जो मेघालय का कल्चर है, मेघालय की भाषा है, ठीक है, मेघालय के लोग हैं, मेघालय के रीति रिवाज, वो सब प्रभावित होंगे। आप सोच के देखो एक बार, ठीक है, 100 लोग यहाँ रहते हैं, 100 पीपल एक गाँव में रहते हैं, उनका अलग से कल्चर, अलग भाषा, अलग शैली है, 10 लोग आए यहाँ बस गए, ठीक है, धीरे धीरे इन दस ने क्या किया, धीरे धीरे बढ़ाते बढ़ाते संख्या मान लेते हैं अपनी 40 कर ली, फिर इन्होंने अपने रीति रिवाज चालू कर दी, अपने कल्चर, अपनी चीज़ें बढ़ावा चालू कर दिया, तो इनसे कहीं ना कहीं इनका कंपटीशन हो जाएगा। लेकिन मूल निवासी कौन थे, मूल निवासी तो यही थे, यहाँ के रहने वाले तो यही थे, जमीन इनकी थी, सब कुछ इनका था, ये बाहर से आके यहाँ पे इनके कल्चर को डिस्ट्रॉय भी कर रहे हैं, प्लस अपने कल्चर को बढ़ावा भी दे रहे हैं। ठीक है, तो कोई भी जगह हो, कोई भी देश हो दोस्तों, अपने कल्चर को सबसे पहले सेव करने की सोचते हैं। ठीक है, आज के मॉडर्न टाइप में हम कहते हैं कल्चर की बात नहीं करते हैं। कल्चर का मतलब बस दोस्तों वही कल्चर नहीं होता, कल्चर का मतलब आपकी सभ्यताएं होती हैं, आपकी संस्कृतियां होती हैं, आपकी विरासत होते हैं, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपकी सोसाइटी होती है, सारा एक कल्चर का ही पार्ट होता है बेसिकली। ठीक है, तो इनको सेव करने का बेसिकली पर्पज होता है। अच्छा, इनर लाइन परमिट कहाँ कहाँ भी लागू है, अगर ये भी बात करें तो अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड। आपने देखा होगा कि जब मुद्दा आया था दोस्तों सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल का, ठीक है, तब बहुत ज़्यादा ये जोर पकड़ रहा था आईएलपी। ठीक है, इवन जब सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट बन गया, कानून बन गया, ठीक है, नागरिकता वाला, तो उसमें ये इनर लाइन परमिट बहुत ज़्यादा चर्चा में था। ठीक है, यूपीएससी ने नहीं पूछा, हो सकता है इस बार पूछ ले, तो आप ये थोड़ा सा याद रखिए इनर लाइन परमिट क्या होता है। ठीक है, तो अगर आप किसी भी राज्य के अंदर एंट्री ले रहे हो तो बेसिकली आपको बताना पड़ता है कि आप कितने दिन तक रहोगे, कब तक रहोगे, क्या कारण है, बेसिकली ऐसे जैसे आप कभी फॉरेन विजिट करते हो तो सेम ऐसे ही होता है। ठीक है, वीजा जो लगता है, ये बेसिकली पर्पस था जो मैंने आपको बता दिया। हाँ, जो अंग्रेजों ने लॉन्च किया था दोस्तों बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन एक्ट 1873 में किया था। क्यों किया था इन्होंने, बेसिकली इसकी शुरुआत क्यों हुई थी, होता क्या था, मान लेते हैं दार्जिलिंग में अंग्रेजों ने क्या किया, अपना चाय के बागान लगाए। ठीक है, आपको यूपी से घूमते घूमते गया, वहाँ पे थोड़ा दिन इधर उधर रहा, उसके बाद लूटपाट किए रात में और भाग लिए। तो ये इन्होंने क्या किया, कानून बना दिया कि इस एरिया में जो भी आएगा उसको बताना पड़ेगा कि क्यों आ रहे हो, क्या कारण है, क्या पर्पज है, किस लिए आ रहे हो। ठीक है, तो बेसिकली पर्पज था उस टाइम का। तो आशा करते हैं आपको चीज़ें बहुत डिटेल में समझ में आ गई होंगी ये, और मेघालय की मैपिंग भी थोड़ा सा कर लीजिएगा अच्छे से। ठीक है, भारत की पहली ड्राइवर रहित मेट्रो डीएमआरसी ने दोस्तों मेजेंटा लाइन पे बेसिकली अभी स्टार्ट किया है। ठीक है, तो ये कौन सी लाइन पे स्टार्ट किया ये मैटर नहीं करता आपको, ठीक है, और पढ़ने की इतनी जरूरत भी नहीं है। हाँ, डीएमआरसी ने पहली ड्राइवर रहित मेट्रो स्टार्ट की, ड्राइवरलेस मेट्रो स्टार्ट की है, तो ये थोड़ा सा एग्जाम पॉइंट भी से इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तुम्हारा प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसका उद्घाटन भी किया था, तो थोड़ा सा याद रखिए जो आपके एग्जाम पॉइंट में थोड़ा रिलेवेंट हो जाता है। ठीक है, तो इतनी चीज़ें आप याद रखिएगा। और जिन्होंने अभी तक ऐप डाउनलोड नहीं किया दोस्तों, आप ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा, प्ले स्टोर पर जाएंगे, डीकेएस आईएएस एकेडमी सर्च करेंगे, आपको ऐप मिल जाएगा। ठीक है, फाउंडेशन कोर्स जिनको ज्वाइन करना दोस्तों आप ज्वाइन कर सकते हो, कोई भी इंक्वायरी तो हमें कॉल भी कर सकते हो आप। ठीक है, जिनको एनसीईआरटी वीडियो पैक लेना दोस्तों, एनसीईआरटी वीडियो पैक जल्द से जल्द ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है ना, तो आज की वीडियो में दोस्तों बस इतना रखते हैं, आशा करते हैं वीडियो पसंद आएगा, पसंद आया तो दोस्तों लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो, थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।